ये है मोर रायपुर, जो कि बहुत खूबसूरत से बना हुआ है और यहाँ पे सब जॉगिंग कर रहे हैं। तो ये दीवार पे उतना कुछ खास मेंशन तो नहीं है, जिसमें कूलर वाली चाय पी लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से मैं गुजर रहा था, मेरे दोस्त हितेश हैं और यहाँ सोचा कि मरीन ड्राइव का भी एक व्लॉग बना देता हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग बोलते रहते हैं कि मरीन ड्राइव का भी व्लॉग बनाइए करके। और वहाँ पे जो दिख रहा है वो है फ्लैग, जो पास चल के उसको दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग भी पास से उसको देख लीजिएगा। और इस स्टैंड में है पूरी मार्केट लगी हुई है और बहुत बिजी शहर है, जैसा कि आपको पता है रायपुर बहुत व्यस्त शहर है। और देख सकते हो सब यहाँ पे शाम का समय है, अभी ऑलमोस्ट 5:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो सब यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और मैं बोला चलो यहाँ आया हूँ रायपुर तो मरीन ड्राइव भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो आसपास में जो खाने पीने के भी चौपाटी भी हैं उसको भी हो सकेगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उससे जो खूबसूरत चीज़ है वो है यहाँ पे मोर रायपुर, आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये है मोर रायपुर का। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ मोर रायपुर का। और सबसे औसम तो यही है मोर रायपुर जो लिखा हुआ है। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो सब जॉगिंग कर रहे हैं और बीच में तालाब है, एक नंबर है यहाँ का व्यू। ये है मोर रायपुर, जो कि बहुत खूबसूरत से बना हुआ है और यहाँ पे सब जॉगिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आगे और चलते हैं, जॉगिंग करते हुए निकलेंगे और जॉगिंग करते करते मैं ब्लॉग करूँगा इन सब के बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए क्योंकि थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है सबके बीचों बीच सामने बात करने में, फिर भी ये डर को निकालना है आज ही तो कल, तो इसलिए शुरुआत आज से ही कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मरीन ड्राइव जो कि बहुत खूबसूरत है, अभी मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक राउंड मारूंगा, एक चक्कर लूँगा और ये जो फ्लैग दिख रहा है उस साइड में चलूँगा मैं और पास से आपको दिखाऊँगा वहाँ का व्यू दिखाऊँगा। और ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हो अंधेरा हो चुका है और लाइटिंगें करके चेहरा दिख रहा है और देख सकते हो सब जॉगिंग कर रहे हैं और सब बैठे हुए हैं आस पास में। ये जो सामने जो दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो पूरी रोड है, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक रहता ही है। और सामने जो दिख रहे हैं यहाँ पे बिरयानी वरियानी आके खा सकते हो। तो चलिए एक राउंड मारता हूँ और वहाँ तक चलता हूँ और वो वाला भी चीज़ दिखाऊँगा आपको, जो आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर मछली भी है, देख सकते हो ये शख्स जो है कुछ खाने का फेंक रहा, तो मछली रंग बहुत ताबड़तोड़ खा रहे हैं उसको। और यहाँ पे सुलभ भी है, उसको भी दिखा देता हूँ सुलभ, अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सुलभ नहीं है पेशाब वेशाब करने के लिए, टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए, तो यहाँ सुलभ की व्यवस्था है जो आप कर सकते हो। और आगे और बढ़ते हैं, देख सकते हो सब जॉगिंग कर रहे हैं शाम के समय में। तो चलते चलते अपन पास पहुँचने वाले हैं फ्लैग के, और ऊपर देख सकते हो बहुत खूबसूरत दिख रहा है यहाँ दूर से, और पास चल के दिखाऊँगा कि वो कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है भाई, वो देख के ही लग रहा है बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो बहुत नज़दीक आते आते ये बहुत ऊपर तक चले गए हैं और जस्ट इसके नीचे खड़े होकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, और अपना इंडिया का झंडा है बॉस, तो सलूट है इसको। फुल ऊँचाई दिखाता हूँ मैं आपको, जो बहुत ही बड़ा है, और देखते रहिए आप कितना लंबा बना हुआ है। और ये देखिए क्या बेहतरीन लग रहे हैं हवा में, जब ये उड़ रहे तो ऑसम लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत ही ऑसम। तो उस साइड से ऐसे निकलते हुए चलेंगे ये वाली रोड से, और घूमते हुए फिर जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ मैं एंड कर दूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो जो लाइटिंग है वो भी बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है, और ये इतना बेहतरीन लग रहा है। और रात के समय तो देख सकते हो लाइटिंग की वजह से सिटी बहुत ही खूबसूरत लगती है मरीन ड्राइव। और सुबह अगर थोड़ा जल्दी और आता तो उजाले में और ही खूबसूरत दिखता, तो कोई नहीं, अभी दीवार में जो जो यहाँ पर मैंशन किया गया है उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा, जो पेंटिंग वेंटिंग किया गया है। और फिर आगे चल के फिर अपना यहाँ का मरीन ड्राइव का व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये दीवार पे उतना कुछ खास मेंशन तो नहीं है जिसको मैं आपको दिखाऊं, फिर भी चलो अब आया हूँ तो दिखाई देता हूँ इस साइड भी, हो सकता है कि आगे हो तो आगे दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो आवास योजना है, अटल आवास योजना, वो बना हुआ है सरकारी वाला, और मरीन ड्राइव को आप देख ही रहे हो कैसा है। ठीक है, तो देख लो भाई, कुछ समझ आ रहा हो तो, कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मरीन ड्राइव तो हो गया कंप्लीट, अब आगे रोड वगैरह, दुकानें वगैरह थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, मरीन ड्राइव का तो मैंने पूरा आपको दिखा दिया एक राउंड मार के, और यहाँ पे दुकान है, कुल्लड़ वाली चाय पीते हैं, और पीछे में पूरी रोड है जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक व्राफिक की आवाज़ भी आ रही होगी, तो कुल्लड़ वाली चाय पीते हैं और बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो फ्रेंड्स, सामने में है शॉप जहाँ पे मरीन ड्राइव के जस्ट अपोजिट साइड में है, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस साइड में, तो इस साइड से आप आइएगा या फिर इस साइड से घूम के आइएगा, तो यहाँ पे कुल्लड़ वाली जो चाय है बहुत फेमस चाय है, और बहुत और भी बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, नॉर्मल चाय, आइसक्रीम वगैरह जो आप यहाँ पे खा सकते हो, और देख सकते हो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैफ़े भी है, तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीना चाहते हैं यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं कुल्लड़ वाली चाय पी लेता हूँ एक बार। नहीं, कुल्लड़ वाली चाय तैयार है भाई साहब के, जो 20 रुपीज़ दे देते हैं कुल्लड़ वाली चाय। तो फ्रेंड्स, कुल्हड़ वाली जो चाय थी बहुत ही औसम थी, और आप भी एक बार जरूर विजिट करना, मैं आपको दिखा चुका हूँ, वहाँ पे आना और कुल्हड़ वाली चाय पीना, 20 रुपये में चाय मिलेगी आपको, जो कि बहुत ही औसम है। और यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो मैनेज कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मरीन ड्राइव एक बार आना और घूमना, बहुत अच्छा जगह है, और जो मैं आपको दिखाया उसको ज़रूर देखना। और आसपास में सब यहाँ पे दुकानें लगी हुई है, जो उसको जो खाना आके खा सकता है। चौपाटी आगे है तो उसका व्लॉग नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे ही लेट हो चुका है मुझे, और अपनी गाड़ी भी पास आ चुकी है। तो सबको गुड लक एंड टेक केयर, बाय बाय।